तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है सब लड़कियों के लिए स्पेशली। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्टली लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उनके साथ ये चल रहा है। बहुत बाद में जाके पता चलता है, जब उनकी ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो अपने सिम्टम्स से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा उनकी बॉडी में चेंजेस होने की वजह ये है। एंड ये इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि ये छोटी बच्ची से लेके बड़ी लड़की से लेके एक बड़ी औरत तक भी हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है, इसकी कोई एज नहीं है होने की। एंड इसके कुछ सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप इसको शुरू में भी पहचान कर सकते हो कि हमें ये बीमारी हो रही है। तो या एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसीज। एंड ये बहुत ही कॉमन हो चुका है इंडिया में, ऑलमोस्ट 10 में से 5 या 8 लड़कियों को, बच्चियों को ये बीमारी होती ही है। एंड इसके होने के रीजंस भी बहुत ही मतलब अनवांटेड से होते हैं कि आपको हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में ये हो चुका है। तो टुडे हम इस बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कि इसके होने के कारण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप नेचुरली कैसे कर सकते हो, एंड ऑल्सो आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इसको क्योर करने के लिए आपका डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसा डाइट लेना है और डाइट में किन किन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो चलो लेट्स स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं कि ये होता कैसे, आखिर ये डिसीज़ होती कैसे है। तो जब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है और फीमेल बॉडी की ओवरीज में सिस्ट बनने लगते हैं, और वो सिस्ट जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है तो वो बीमारी PCOD में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली ये होने का मेन कारण है, जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, पैकेट खोला एंड फूड खा लिया, उस फूड में जो पैक्ड फूड होता है उसके अंदर जो एयर होती है वो पॉइजनस होती है। उस एयर में बहुत सारे ही पॉइजनस मतलब कीटाणु होते हैं, और वो जब हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओवरीज में वो सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं और हमारे पीरियड्स डिले होने लगते हैं, या कुछ लड़कियों को पीरियड्स 1-1 मंथ स्किप हो जाते हैं और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनकी मेंस्ट्रुअल पावर बिल्कुल कम हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें PCOD की बीमारी हो जाती है। मेनली जो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब सिम्टम्स पे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हेयर फॉल होना एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम है, आपका वेट बहुत तेज़ी से गेन होना कि आप बहुत पतले हो लेकिन आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक PCOD का रीज़न हो सकता है। एंड अदर रीज़न इज़ आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, वो भी एक PCOD का रीज़न हो सकता है। द अदर मेन सिम्टम्स फॉर PCOD इज़ इनफर्टिलिटी इन वुमेंस। बहुत सारी वुमेंस को कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है PCOD की वजह से, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल ही डल हो जाता है एंड उनकी ओवरीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती कि वो कंसीव कर पाएँ। अगर आम भाषा में बोलूँ तो ईजिली जो वुमेन है वो प्रेगनेंट नहीं हो पाती है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड अगर कभी उसको बाय गॉड ग्रेस वो प्रेगनेंसी फेस भी करती है तो बहुत ईजिली मिसकैरेज हो जाता है, जो कि एक मेन रीज़न है PCOD होने का। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बॉडी में होने लगते हैं जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड डॉक्टर्स भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्योर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें यह है कि आपको दवाइयाँ तो एक सेकेंडरी थिंग है, जो बैलेंस डाइट है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपकी जो बैलेंस जो डाइट है वो पूरी बैलेंस होनी चाहिए, तभी आपका जो PCOD का डिसीज़ है वो क्योर हो पाएगा, क्योंकि मेनली वो होता ही आपके फूड ईटिंग से है। तो आपको अपना फूड ईटिंग वो प्रोवाइड जो आप अपनी बॉडी को कर रहे हो वो अच्छे से करना होता है, ताकि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो और उसका आपको एक क्योर मिले, अच्छा क्योर मिले। सो मैनी ऑफ द पीपल्स और मैनी ऑफ द वुमेन्स आर थॉट की जो PCOD की बीमारी होती है वो ओवरीज से स्टार्ट होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनका इसलिए थॉट प्रोसेस होता है क्योंकि जो मेन वो स्टक करते हैं उस चीज़ को, वो वहाँ पर करते हैं जब उनका पीरियड इम्बैलेंस होने लगता है। तो उनको लगता है कि ये जो बीमारी है वो पीरियड के इम्बैलेंस होने से या फिर उनकी ओवरीज से शुरू हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये मेन जो ये डिसीज़ है ये हमारे स्टमक से शुरू होता है, जब ये स्टमक में इन्फेक्शन नहीं रुक पाता तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, और वो मेनली जो अफेक्ट करता है वो ओवरी पे करता है। तब उनको वो पता चलता है कि हाँ हम इस डिसीज़ से अब अपने आप को क्योर करना है या फिर ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करने लगा है। सो नाउ वी टॉक अबाउट प्रिकॉशंस, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो सबसे पहले मैनेज योर डाइट, आपको अपनी डाइट
प्लान करनी है, जो भी आप खा रहे हो दिन में उसको प्लान करके खाओ। कुछ भी आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, सबसे बड़ी बात। एंड कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेना है। जब किसी भी वुमेन को या किसी भी लड़की को पीसीओडी का डिसीज़ होता है, तो उस टाइम में उनकी बॉडी का इंसुलिन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और इंसुलिन हाई होने की वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और कम करने के लिए आपको पहला चीज़ करना है कि अपनी डाइट को बैलेंस करना है। अपनी डाइट में शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल। सो नाउ जो हमें नहीं खाना है उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि हमको अपनी डाइट में मेनली कौन कौन सी चीज़ें खानी है और अपनी डाइट शुरू कैसे करनी है। तो जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर आपको एक ल्यूकवार्म वाटर लेना है, जिसमें आपको लेमन जूस ऐड करना है विद 1 स्पून ऑफ हनी, और ये दोनों चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आपको थर्ड एलिमेंट, जो भी हेल्दी एलिमेंट हो, वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक हल्के गर्म पानी में, एक ग्लास पानी में आपको लेमन जूस डालना है विद हनी। ये आपका मैंडेटरी होना चाहिए, सुबह उठते ही आपको सिर्फ यही लेना है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी लाइट चीज़ खा सकते हैं, लाइक आप पोहे खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, सूजी का चीला खा सकते हैं, बेसन का चीला भी खा सकते हैं, जो भी आपको लाइट लगे वो खा सकते हैं। देन आपको अपनी पूरी डे की डाइट में एक बार या दिन में 2 बार दूध ज़रूर पीना है और ऐड कर लेना है। लाइक आप 2 बार नहीं पी सकते, तो दिन में एक बार आप 1 ग्लास दूध तो पी सकते हैं, वो आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। देन आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स में आप ऐड कर सकते हैं, गर्म फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट्स भी गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं। तो आप पपाया नहीं खा सकते हो, आप खा सकते हैं एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, हेल्दी फ्रूट्स जो होते हैं वो खा सकते हैं आप। देन इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आप वेजिटेबल खा सकते हैं। वेजिटेबल में आपको ग्रीन रिच वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, लाइक स्पिनच, ब्रोकली और बेरीज, ये वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, एंड वेजिटेबल का सूप भी खा सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट डिनर। डिनर में या फिर लंच में आपको 1 ग्लास बटर मिल्क, जिसको छाछ बोलते हैं, छाछ आपको लेनी है, या फिर उसके अलावा आप कर्ड भी ले सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ आपको अपनी डाइट में रखनी है, या तो कर्ड लो खाने के साथ में, या फिर आप बटर मिल्क लो, छाछ लो और उसके साथ अपना खाना खाओ। लास्ट जो हमारा डिनर होगा, उसमें आपको सोने से 2 घंटे पहले अपनी डिनर डाइट लेनी है। डिनर डाइट में आप हल्का खाना खाओ, लाइक रोटी खाओ, चावल आपको अवॉइड करने हैं, चावल में बहुत हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप राइस नहीं खा सकते हो। खाना भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको राइस खाना है, पेट भर के नहीं खाना। ज़्यादा आपको प्रेफरेंस रोटी को देनी है, आप रोटी खा लो, चीला खा लो, बहुत लाइट डिनर करके सोना है, और सोने से 2 घंटे पहले डिनर करना है, ताकि जब तक आपकी बॉडी स्लीप मोड में हो तो आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाओ। इसके अलावा आपको अवॉइड करने हैं स्मोकिंग, अगर कोई करती है लड़की या फिर वुमेन, तो स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। टी में बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, तो और बिना शुगर के टी तो कोई पीता ही नहीं है, तो शुगर मतलब शुगर वाली जो टी होती है वो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करनी है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जो आपकी बॉडी को एक ड्रग्स की तरह आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, तो कॉफ़ी आपको नहीं पीनी है। एंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी आपको एडिक्शन गलत हो उसको अवॉइड करना है। जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, एंड पल्म ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है। घर में जो भी खाना सादा बनता है, लाइक पल्सेस आप खा सकते हो, दालें खा सकते हो, रोटी, सब्जी, ग्रीन सब्जियां, वेजिटेबल, जो भी हेल्दी फूड हो वो खाओ। तो ये आपकी डाइट होनी चाहिए। अपनी डाइट को अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो। लाइक सुबह आप उठे हो तो आपको एक ल्यूकवार्म वाटर के बाद अब आपको जो भी खाना है लाइट होना चाहिए, वो अपनी डाइट में ऐड कर लो। देन डिनर में, लंच में आपको जो भी खाना है, पहले लंच करोगे तो लंच में आपको जो भी खाना है वो अपनी डाइट में ऐड कर लो। देन डिनर में जो भी खाना है वो अपनी डाइट में ऐड कर लो। ऐसे करके आपको अपने पूरे दिन की डाइट खुद ही प्रिपेयर करनी होगी, जो आपकी बॉडी की प्रेफरेंस है या जो आप खाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। बस ये ध्यान में रखना है कि वो आपकी बॉडी को गलत तरह से अफेक्ट ना करे। प्लस 1 ग्लास आपको मिल्क लेना ही लेना है। ज़्यादा अगर आपको है कि मैं मिल्क नहीं पीती हूँ या किसी किसी को पसंद नहीं होता, तो वो उसकी जगह पर कोई एक तरह का शेक, बनाना शेक या कोई भी शेक, हेल्दी वे में आप लेके उसको पी सकते हो। ओके, सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लेडीज़ इस डिसीज़ से अफेक्ट हो रही हैं, या अभी भी जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस डिसीज़ से, मतलब इस डिसीज़ को फेस कर रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। जो लड़कियां या वुमेंस जिम जाती हैं, दैट्स गुड, वर्कआउट करना बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी भी लेडीज़ हैं जो घर पर ही रहती हैं और जिम वगैरह नहीं जाती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं,
तो मैं उनको यही प्रेफर करूंगी कि वो एक्सरसाइज किया करें एटलीस्ट घर पर. आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह जल्दी उठकर आप योगा करें या आसन करें. अभी मैं आगे कुछ आसन बता रही हूँ आपको जो आप इजीली अपने घर पर कर सकते हैं सुबह उठकर और जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट आसन है वज्रासन. इसको करने से आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. अगर किसी को ये लगता है कि हम थोड़ा सा काम करने में ही थक जाते हैं और हमारी बॉडी ऐसे लगती है जैसे अब हमसे काम नहीं होगा, तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है. आप वज्रासन को सुबह उठकर करिए, डेली बेसिस पे करिए, आपको 1 वीक में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा. अगर जैसे आप कुछ खाते हो बट वो आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए. तो इसको करने से आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ये आप कर सकते हो. और नेक्स्ट आसन इज मत्स्यासन. स्किप होते हैं या फिर उनको लगता है कि बहुत डिले हो रहे हैं, फ्लो बहुत कम आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मत्स्यासन करो. इसके बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं क्योंकि एकमात्र यही ऐसा आसन हमारे यहाँ पर है जिसमें जो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बनाया गया है और ये काफ़ी इम्प्रूव करता है बॉडी में. अगर आप करोगे आपको अपनी बॉडी में खुद से ही इफेक्ट दिखने लगेंगे, तो आप ये कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज उत्तरासन. उत्तरासन में क्या होता है, वो आपकी चेस्ट को ओपन अप्स करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन. तो उससे क्या होगा, जब आप इसको करोगे तो जो आपका वेट बढ़ रहा है, जो कहीं कहीं पर वेट एक्चुअली में वो वेट नहीं होता, वो फैट होता है, जो आपका फैट बढ़ रहा है वो इसको हेल्प करेगा कि वो एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आप उत्तरासन को करें, वो आपको काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा. इसके बाद नेक्स्ट आसन इज पश्चिमोत्तासन. पश्चिमोत्तासन में क्या होता है, ये आपकी बैक को बहुत क्योर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंस्ट्रुअल इंबैलेंस में आपकी बैक का बहुत बड़ा रोल होता है और जब आपकी बैक में प्रॉब्लम आने लगती है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली इंबैलेंस हो जाता है. तो इस आसन को करके आपकी बैक काफी इंप्रूव हो जाएगी और आपको काफी ज्यादा बीमारियों से आपके हनिस भद्रासन. इस आसन को करने से आपकी जो ओवरी है वो स्टिमुलेट होगी एंड ऑल्सो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होगा. अगर किसी की बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है या फिर ऐसी कोई बीमारी है तो वो इस आसन को कर सकते हैं ऑब्वियसली. और ओवरीज भी आपकी, स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज का मतलब ये होता है कि आपकी ओवरीज में दिक्कतें बनती ही जा रही हैं, मतलब कभी कुछ इन्फेक्शन है कभी कुछ इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी आप इस आसन को कर सकते हैं एंड ये इफेक्टिव होते हैं आसन. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ तो जिसको बताने के लिए, ये सीरियसली में ये बहुत इफेक्ट करते हैं, तो आप ये कर सकते हो. द नेक्स्ट आसन इज बाल आसन. बाल आसन को करने से आपका जो स्ट्रेस होता है, जो आप टेंशन लेते हो, वो बहुत कम होती है, रिलीज होती है. ये बहुत ही स्ट्रेस को रिलीज करने वाला आसन है, तो आप इसको कर सकते हो. इससे आपकी जो बॉडी है वो काल्म रहेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति, मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, स्ट्रेस आपको कम होगा. अगर आपको कोई ऐसी टेंशन भी है तो थोड़ी देर के लिए आप उससे रिलैक्स पा सकते हो इस आसन को करके, तो इस आसन को आप जरूर करें. नेक्स्ट वन इज पवन मुक्तासन. पवन मुक्तासन को करने से फैट बहुत जल्दी कम होता है क्योंकि ये जो बॉडी की एयर होती है उसको अपने अंदर कंज्यूम करता है एंड जो गंदी हवा होती है वो एकदम से फिर निकलती है. दैट्स इसकी वजह से आपका जो फैट है, वो बहुत इजीली और बहुत आराम से खत्म हो जाएगा. तो आप इसको कर सकते हो पवन मुक्तासन. तो ये हमारे आज के आसन थे, ये आप करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आप खुद ही अपनी बॉडी में अच्छा फील करोगे. द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो इज कि अच्छी नींद लो. अगर कोई लेट सोता है या नींद नहीं भी आती है तो आपको ये जरूरी है कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स की जो स्लीप साइकिल है आपका होना चाहिए और आप अच्छी नींद लो आराम से. आपको सोते वक्त भी, बहुत से लोगों के दिमाग में कभी कुछ चलता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी जो एक आप पीरियड ऑफ स्लीप ले रहे हो उसमें आपको अच्छी तरह से नींद आनी चाहिए, तो गुड स्लीप लो. सो या गाइस, आज के लिए वीडियो इतनी ही थी. आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा होगा या जिसकी भी हेल्प हो रही होगी तो उनको अच्छा लगे और उनके लिए काम आ सके. हम फिर से एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लेके आएंगे अपने चैनल पे. तब तक के लिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.